अजी जी वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया। आप देख रहे हैं अदील हाशमी अभी तक हमारे साथ मौजूद है और रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसी सूरत नहीं जा रहे, वो उनको कहा भी है भाई जाएं, जान छोड़ें यार, अगला गेस्ट तैयार, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं। खाने पीने की अभी तक बात नहीं ना हुई डानिस वजह से। करें, करें। ये येलो शर्ट की क्या? हाँ, इसकी वजह ये है कि मैंने देखा कुछ दिन पहले कि ग्रीन सेट है तो मुझे घास महसूस हुई जैसे एक बाग है, तो मैंने दो परिंदे बैठे हुए तो कम से कम एक फूल भी होना चाहिए। दूसरी वजह यह बहुत दिनों से ये शर्ट मेरी अलमारी में थी और मेरा हौसला नहीं पड़ा था कि मैं कहीं पहनूं ये। अच्छा। तो मैंने सुबह निकाली और मैंने सर खुजाया, फिर मैंने बीवी को ढूंढा, बीवी कहीं नहीं थी। हाँ। और मैं देखा कि बिजली सुबह से गई हुई है। मैंने कहा यार आज मौका है, लगता है बिजली ने नहीं आना, तो आज पहन लो, ये यही मौका है। अच्छा, बेगम वैसे करती है कि भाई अदील ये नहीं शर्ट पहननी, ये करना है, ये जूते होने चाहिए, मतलब इंटरफेयर करती है वार्डरोब में? मैं पूछता हूँ उससे कि ये ठीक लग रहा है, तो वो कहती है कि नहीं ये नहीं फलाना, बस इतनी होती है। अच्छा, कौन सी ऐसी आदत है जिसपे सबसे ज्यादा चिढ़ती है कि यार ये चेंज कर दो, खुदा का वास्ता है? ये गुस्से में भी हंसता होगा। नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी, कोई भी नहीं। हाँ, ऐसी कोई आदत नहीं। अपनी तो बुराई वैसे कोई बताता तो है नहीं, मतलब जब एक इंसान है ही अंदर बाहर अच्छा, तो क्या नहीं, सच को सच ही कहेंगे ना। आप बताएं बुराई। सबसे अच्छी आदत, हाँ सबसे अच्छी आदत, मैं मूडी बहुत ज्यादा हूँ और खास तौर से खाने के मामले में बहुत मैं मूडी हूँ कि जरा सा खाना 19 से 18.5 हो गया ना तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फेवरेट डिश क्या है? देसी खाना किसी भी तरह का हो, कढ़ाई शढ़ाई जिससे बदहजमी कंफर्म हो। ओजड़ी शोजड़ी सब कुछ पक्का, ज्यादा हो गया थोड़ा सा कम। अपने दिल की मैं अपनी हसरतें बता रही हूं। वैसे कंट्रेरी टू द परसेप्शन जो लोगों की होती है, अदील से मतलब जितनी बार भी मेरी मुलाकात हुई, अक्सर एयरपोर्ट्स पे हम लोग मिलते हैं, मतलब ये भी जहाज का लास्ट टाइम कराची जाना था, करता है हमेशा जब भी जहाज पे कराची लाहौर आ रहा होता ना, एक नूरानी चेहरे वाला शख्स यूं देख रहा होता है मुझे। और मैंने यार आज शो पे चले ताकि शायद जो जो एक अजीब सी चीज़, और मैं हर दफा इनवाइट भी करता हूँ यार तुम शो पे नहीं जरूर, लेकिन ये इसको मैं जब भी देखे ना, ये कॉफी का मग इसके हाथ में होता है और ये ना लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, बड़ा सीरियस, और लोग जा रहे होते हैं पहचान रहे, तो वो अदील बैठा हुआ तो ये आगे से बिल्कुल सीरियस ना, जैसे इसको दुनिया की परवाह नहीं है, कोई आके मिल भी ले के जी आपके बड़े फैन जी तस्वीर उतारें जी, बिल्कुल सीरियस है। तो लोगों की परसेप्शन ये होती है कि अगर आप कॉमेडी स्क्रीन पर करते हैं तो आप रियल लाइफ में भी बहुत बड़े कॉमेडियन होंगे। ये परसेप्शन काफी गलत परसेप्शन है और मेरे ख्याल में इट्स ट्रू फॉर एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम उमर भाई, उमर शरीफ साहब से लेके मोइन अख्तर साहब से लेके, जो लोग भी प्लेज में कॉमेडी करते नजर आते हैं और रियल लाइफ में बड़े सीरियस होते हैं। ट्रू ट्रू, और उल्टा भी होता है इससे कि बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स होते हैं परफॉर्मर जो बड़ा सीरियस रोने वाले रोल्स करें, लेकिन जैसे ही कैमरा कट होकर आप बैठेंगे तो हंस आके आपके फेस पे बल पड़े। फैसल कुरैशी इज वन ऑफ देम। तो ये होता है, विच इज फाइन, क्योंकि कैमरा ये बड़ी ट्रिकी सी चीज है, ये जो दिखाता है तो असल में वो नहीं है। जैसे आप लोग इतने बनठन के, इतने महजब, इतने मोहतबर बैठे हुए हैं, कैमरे की आग से लग रहे हैं, असल जिंदगी में इससे कुछ मुख्तलिफ है, है नहीं ऐसा, है नहीं ऐसा। अच्छा अदील, obviously हर इंसान की जिंदगी में कोई goals and ambitions होते हैं, आपके क्या goals हैं? यार बहुत सारे हैं, कुछ जाती हैं, कुछ professional हैं, कुछ national हैं। खोल दें आप भेद, सब बोल, सब खोल, हाँ सब खोल। अगर मेरे पास एक चिराग हो और उसमें से जिन निकले और कहे यार एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसा goal जो पूरा हो जाएगा, वो क्या होगा आपका? तो वो professional या personal नहीं होगा, वो national होगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान जो है वो हर शोबे में दुनिया का नंबर वन हो, मेरी ये ख्वाहिश होगी, चाहे उसमें किसी एक इंडिविजुअल का नाम ना आए, लेकिन जब भी हम बात करें आर्ट्स की, साइंस की, पोएट्री की, स्पोर्ट्स की, किसी भी चीज की, तो लोग कहें यार ये पाकिस्तान से तो मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। मेरी ये नेशनल ख्वाहिश मेरी। अच्छा मुझे ये बताएं, आज भी जितने भी अच्छे कमर्शियल बनते हैं वो अनफॉर्चुनेटली बाहर जाके बनाने पड़ते हैं, थाईलैंड या इस तरह सिंगापुर, पाकिस्तान में सारी लोकेशंस मौजूद हैं, मतलब आप वादिये हुंजा चले जाएं, इस साइड पे चले जाएं, स्वात चले जाएं, आपके पास टैलेंटेड लोग भी हैं, आप हो, एहसन रहीम हैं, फैसल कुरैशी हैं, बहुत से इस तरह के हैं, सब कुछ है, इक्विपमेंट भी है, क्यों इधर क्यों नहीं बनाते यार? उसकी वजह ये है कि एक छोटी सी चीज़ जिसकी जरा सी इज्तमाई तौर पर कमी है और वो है ये। अच्छा, इसकी जरा सी कमी है कलेक्टिवली, और वो जरा दुखी सी बात कर दी आपने, मेरी दुखती राग है वैसे। अच्छा, वो ये है कि, और जाहिर है आप तो सिर्फ शो बेस के वाले से बात करें, मैं जरा सी एक ब्रॉडर बात ये है कि जब आप एक सोसाइटी ऐसी तश्कील दे दें, आपसे मुराद ये अवाम नहीं,
जिनके पास बागडोर है वहां की, वो एक ऐसी सोसाइटी तश्कील दे देंगे जिसमें ये पता हो यंगस्टर्स को, जनरेशन को, बच्चों को, बड़ों को, कि मेरिट जो है या मेहनत जो है या ध्यानत जो है या हार्डवर्क जो है, दैट विल नॉट पे, शॉर्टकट विल पे. कामयाबी अगर आपको चाहिए, पैसा अगर आपको चाहिए, शोहरत आपको चाहिए, तो आप शॉर्टकट लें, वहां से आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सो को मिली है और वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है. जब आप ऐसा एक फैब्रिक डिजाइन करें सोसाइटी का, तो एक्सीलेंस वहां पे कोई प्रसू नहीं करेगा किसी भी फील्ड कॉम्प्रोमाइज. वो सिर्फ ये नहीं है, आप स्पोर्ट्स में देख लें, अगर हम 20 साल पहले 10 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन, तो आज तो हम कहीं है ही नहीं. आर्ट्स में देख लें, पोएट्री की बात की, उसमें देख लें हमारे जो शायर थे ये, मतलब वेस्ट में अगर आप चले जाएं तो जुबानें जो हैं वो हमारे शायरों से पहचानी जाती हैं. फैज साहब ट्रांसलेशंस हैं, फैज साहब की कितनी. किसी ने कहा था कि अच्छा यू आर अ पोएट हु डज पोएट इन उर्दू, मतलब उन जो जुबान थी उनकी वो एक इंसान से पहचानी जा रही है कि उर्दू जुबान उनकी पहचान है. मैं बात इंटरप्ट कर रही हूं, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी. आप ऑब्वियसली नवासे हैं फैज अहमद फैज के, मुनीजा हाशमी, आपकी तो फैमिली में इतना टैलेंट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंधों पर बहुत आ जाती होगी. यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस पीपल, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू एंड योर फैमिली एज वेल. बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, शोल्डर बनाए हैं. अच्छा, नजर नहीं आ रहे वैसे, अभी एक दो साल तक आएंगे नजर. वो भी गाड़ी में रखे हुए हैं. एक्चुअली वो बाहर से तो नहीं आती कभी भी, एक्सपेक्टेशन का जो बोझ होता है वो बाहर से कम आता है. वो तो जिम्मेदारी वो चीज है कि जो लेने से आती है, अगर आप ना लें तो मत लें. जैसे हमारे सियासतदान है, उन्होंने नहीं ली जिम्मेदारी तो ना लें, लेकिन किसी ने अगर लेनी है तो, अगर सोशल वर्कर भी हुआ है तो वो महसूस करेगा अपनी जिम्मेदारी. तो मुझे इंटरनली बहुत महसूस होती है जिम्मेदारी कि यार बहुत सारा काम ऐसा है जो होने वाला है, बहुत सारा ऐसा है जो जिसका ताल्लुक मेरी जात से है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जिसका ताल्लुक मेरी जात से नहीं है, लेकिन वो भी होना चाहिए, वो भी करने वाला. अच्छा, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? मैं तकरीबन शदीद किस्म का इंट्रोवर्ट हूँ. शदीद किस्म का इंट्रोवर्ट यानी अपने आप से के अंदर ही अपने मैं से काम बहुत रखना. खुश पूरी जिंदगी एक कमरे में गुजार सकता. वैसे यूजुअली कहते हैं क्रिएटिव बंदा जो होता है वो अपने अंदर ही अपनी जात से ज्यादा खुश रहता है. इज इट ट्रू? कर दी तुमने तारीफ हो गई है ये. अच्छा, ये तारीफ क्रिएटिव आदमी वो वैसे क्रिएट, मेरी बात थोड़ी की नहीं, मैं क्रिएटिव नहीं, मैं तो क्रिएटेड बंदा हूं. क्रिएटिव बंदे की बात कर रही हो. ये बात वैसे बहुत हद तक दुरुस्त है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी किस्म का तकलीकी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन उनको अपनी आइसोलेशन, तन्हाई बहुत पसंद होती है. मुझे भी बहुत पसंद. बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मैं ही हूँ. अपने आप बेस्ट फ्रेंड खुद ही हो तकरीबन? उसके अलावा भी कोई है? दो बेस्ट फ्रेंड है या एक ही है? हाँ नहीं, मैं को बहुत ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना को पसंद. अपने आप से बातें करते हैं. मेरी बीवी को एक दिन मुझसे शिकायत की है कि हमारी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है, कहीं बाहर तो निकला करें, फलाना को तो मिलने. मतलब मेरे जो दोस्त है जिनकी बीवियां शादी हुई, फिर मैंने बीवी से कहा कि वो फलाना दोस्त है, उसकी बीवी से मिल लो क्योंकि मेरा वो दोस्त है. तो बीवियों की अब दोस्ती हो गई है, तो मियों ने मिलना छोड़ दिया. मियों ने मिलना. थैंक यू सो मच अदील, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. बातें थी, भाभी को कोई मैसेज देना जल्दी से देते, टाइम खत्म हो रहा है. कहा सुना, माफ घर आके मार खा लूंगा जो भी मैंने गड़बड़. वाह, ये शरीफ हस्बैंड की निशानी हुई. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू विद योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है. खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय.